आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरा 4 धाम कंप्लीट हो गया एट द एज ऑफ 25। मैंने अपने 4 धाम कंप्लीट कर लिए हैं। गर्म कुंड में नहाने का एक अलग ही मजा। जब स्टार्टिंग में अंदर आया था तो बहुत गर्म लग रहा था, अब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। जो टक्कर के आ जाना सारी दुकान दूर सकती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम यमुनोत्री। अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ यमुनोत्री में और यहाँ से ट्रक स्टार्ट होता है यमुना जी का, जो कि 6 किलोमीटर का है और 6 किलोमीटर पूरी स्टीप क्लाइंबिंग है इसकी, तो मज़ा आने वाला है। थोड़ा हैक्टिक होगा, बहुत दिनों से ट्रक नहीं किया हो तो, या थोड़ा थकान होगी। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग ट्रक द वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। बहुत दिनों बाद एक नया ब्लॉग नए ताजगी के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ मैं पहाड़ों पर एक नए तरीके से। हमेशा मेरा ब्लॉग घर से स्टार्ट होता है, बट इस बार मैं कुछ अलग सा सोचा था कि पहाड़ों से स्टार्ट करूंगा, रीकैप दे दूंगा, बात अलग है। तो रीकैप आप लेके आओ, तब तक मैं आपको रास्ते में मिलूंगा। सो अभी फ़िलहाल मैं हूँ ऋषिकेश में और ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए मुझे जाना है, बट यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं है, तो यहाँ से पहले मुझे धांसू बैंड जाना पड़ेगा। धांसू बैंड के बाद मुझे आगे यमुनोत्री तक के लिए मिलेगा। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ धांसू बैंड और यहाँ से इधर से हम आए हैं ऋषिकेश से। इधर यमुनोत्री जाती है और इस साइड निकल जाएंगे तो गंगोत्री जाती है रास्ता। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं बारकोट, बारकोट से हनुमान चट्टी। फिलहाल मैं जानकी चट्टी पहुंच चुका हूं। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं सुबह से, मतलब कल रात से मैं ट्रैवल कर रहा हूं फ्रॉम दिल्ली टू जानकी चट्टी। यहां से ट्रैक स्टार्ट होता है यमुनोत्री का, जो कि 6 किलोमीटर का है, तो काफ़ी लंबा और हेक्टिक सफ़र रहा है। तो फिलहाल मैं ये रूम लिया हूँ। इस रूम में बेड के हिसाब से मिलता है, 400 पर बेड है। ऑफ सीज़न है इसलिए, वरना सीज़न के टाइम में तो 1000 रुपये पर बेड होता है। 4 बेड है बट मैं अकेला ही हूँ, ऑफ सीज़न है, भीड़ है ही नहीं यहाँ पर, 0% भीड़ हो चुकी है, क्योंकि अब यमुनोत्री बंद हो जाएगा कुछ दिनों में, मतलब दिवाली के अगले दिन या शायद 15 तक बंद हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यमुना मंदिर पे, जो यमुनोत्री से जब कपाट बंद होता है तो यमुना पे आके उनका विराजमान होता है 6 महीने के लिए। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं बगल में है, आप देख सकते हो वो ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा। शीतकालीन के टाइम पे यमुना जी को यहाँ रखा जाता है और अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे यमुनोत्री, जो ऊपर यमुनोत्री है, वो माता जी यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ विराजमान हो जाएंगी इस जगह पे। कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर लाइट में, आई जस्ट लव दिस प्लेस। ऊपर की यमुना जी बंद होती हैं तो यहाँ पे लाके विराजमान की जाती हैं इस खूबसूरत से टेम्पल पे। और ये पूरा डिटेल है कि आप पढ़ लेना पॉज करके क्या क्या डिटेल है। तो फिलहाल मैं अभी यमुना जी के टेंपल पे हूँ और यहाँ से मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे शाम को 5 बजे जानकी चट्टी पहुँचा हूँ और जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर का ट्रैक है यमुनोत्री का, और यमुनोत्री के मैं उस मंदिर पे बैठा हूँ जहाँ पे शीतकालीन के टाइम पे यमुनोत्री माता को यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है, इसको यमुना टेम्पल कहते हैं। तो मैं कल रात को 12 बजे दिल्ली से निकला था ऋषिकेश के लिए बस से, और उसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 430 रुपीज़ फ्रॉम ISBT कश्मीरी गेट टू ऋषिकेश बस स्टैंड। और उसके बाद ऋषिकेश बस स्टैंड पे यमुनोत्री के लिए डायरेक्ट बसेस नहीं थी, तो गंगोत्री के लिए सुबह बस निकल रही थी, तो मैं, मतलब वो ऑलमोस्ट फिल थी, तो मैं सिंगल था, तो एक बोनेट पे बैठने का मौका मिला। और उसके बाद मैं वहाँ से उत्तरकाशी की बस ली जो गंगोत्री निकल रही थी, और वो मुझे धारसू बैंड ड्रॉप किया, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा
300 रुपीज़। और दारसू बैंड से तुरंत जैसे मैं उतरा बस से, वहाँ पे बस लगी हुई थी बारकोट जाने के लिए, और बारकोट मैं पहुँचा 120 रुपीज़। और बारकोट से मैं निकला और यहाँ पे आया जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री का ट्रैक मैं कल करूँगा जो कि 5 किलोमीटर का है। मैं यहाँ पे शाम को 5 बजे पहुँच चुका था और जानकी चट्टी पहुँचने का कॉस्ट मुझे पड़ा 100 रुपीज़। तो टोटल मैं ऋषिकेश टू जानकी चट्टी मुझे आने में 520 रुपीज़ लगे, और उसके बाद फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश आने में 430 रुपीज़ लगे। तो ऑलमोस्ट अगर मैं जोड़ूँ तो 1000 रुपीज़ के आसपास होता है। 1000 रुपीज़ में आप यमुनोत्री तक आ सकते हो और यहाँ से 1000 जा सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं आधा किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर आ चुका हूँ। होप करता हूँ आपको रिकैप बहुत अच्छा लगा होगा। रिकैप अच्छा लगा तो लाइक करना। सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस ट्रिप पे, मतलब क्या कैसे यहाँ पे आप पहुँच सकते हो, क्या क्या चीज़ें, कितने पैसे लग रहे हैं, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं। तो होप करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा सिंस स्टार्टिंग। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर दूर। हमारा पहला पड़ाव वो जगह होने वाली है, वहाँ पर कुछ हाउस दिख रहा है। और फिलहाल यमुना जी अपने पूरे वेग में हैं, आप देख सकते हो। तो अभी रास्ते थोड़े स्टीप हैं, थोड़े नॉर्मल हैं। अभी मेन स्टीप वाली क्लाइंबिंग जो मैं पड़ाव दिखा रहा हूँ उसके बाद से आती है। रास्ते इतने पतले हैं कि जब घोड़े का टाइम होता होगा, मतलब जब यहाँ भीड़ होती होगी तो लिटरली काफ़ी दिक्कत होती होगी यहाँ पे लोगों को चलने में, क्योंकि बहुत पतले रास्ते हैं। घोड़े वालों का यहाँ आतंक होता ही होगा क्योंकि मैंने ब्लॉग भी देखा है। अभी ऑफ सीज़न आया हूँ, भीड़ है नहीं तो कोई आतंक दिख नहीं रहा, आराम से खाली है, आराम से जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। या यही एक अपडेट था, चलते हैं। थोड़ी थकान हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से ट्रक नहीं किया हूँ। चलते हैं, धीरे धीरे पहुँचेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। मेरा बस पूरा दिन है जा के ऊपर के आने का, क्योंकि कल मैं निकलूँगा यहाँ से। तो फिलहाल ये अपडेट है, अब स्टीप आ चुके हैं, अब मिलते हैं आगे। आप इस पर्टिकुलर जगह आपका पंजीकरण चेक होगा जो आप यात्रा कराते हो, मतलब उत्तराखंड टूरिज़्म को जाके आप चारधाम यात्रा को बुक करते हो, वहाँ पे जाके आप जब बुक करते हो तो ये यहाँ पे आके चेक होता है और ये आपकी पर्ची बनती है। इसके बाद आपका दर्शन होगा और यहाँ पे यहाँ से बेसिकली अब स्टीप क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है। बड़े बड़े स्टेप्स हैं, हालत होगी ख़राब, पर ठीक है, आए हो किसी अच्छी जगह तो थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अब ऐसे स्टेप्स आएंगे लंबे लंबे, ऐसे सीधी चढ़ाई है पूरी ऊपर तक। तो ये पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर पर्ची आपकी यहाँ पे बनाई जाएगी दर्शन करने के लिए, और ये बनेगी आप जब उत्तराखंड टूरिज़्म बोर्ड पे आप बुकिंग कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो आप जब भी आओ चारधाम, अब से कंपलसरी हो चुका है शायद इसी ईयर से कि आप चारधाम यात्रा करने निकल रहे हो तो पहले आप बुक कर लो, उसके कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको उस साइड पर जाके बुक करना होता है उत्तराखंड टूरिज़्म, चारधाम टूरिज़्म की साइड पर। और रास्ता देखो यार, धीरे धीरे ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो बड़े बड़े स्टेप्स आ रहे हैं सीढ़ियों की तरह, टफ होने वाला है। और ये व्यू यहाँ से, चलते हैं ऊपर, थोड़ा दूर ऊपर चलेंगे फिर ब्लॉक करूँगा, नहीं तो ऐसे ही यहीं पे आधा घंटा हो जाएगा। ये ब्लॉग लंबा बनेगा क्योंकि वन फ्लो में, वन गो में ब्लॉग बन रहा है, तो लंबा तो होगा, तो सॉरी फॉर दिस। और आप पूरा फुल डिटेल यमुनोत्री धाम को कैसे विजिट करना है, फुल डिटेल वाला ब्लॉग है ये, पूरा एंड तक देखोगे, हर एक एक चीज़ का डिटेल दूंगा। ये नज़ारे देखो आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरी पहाड़ी जंगलों से बिखरी पड़ी है, ये पूरा यमुनोत्री का पूरा सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और जंगल ही जंगल मिलेंगे आपको, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यार।
पूरी स्टीप क्लाइंबिंग है जैसा कि आप देख रहे हो, पूरे घने जंगलों के बीच में। अभी तक ऑलमोस्ट मैं 3 किलोमीटर कर चुका हूँ और 3 किलोमीटर और बचा है। 1 घंटे में 3 किलोमीटर मैंने कवर कर दिया, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और फिलहाल 3 किलोमीटर और बचता है, थोड़ा सांस ले रहा हूँ अभी फिलहाल क्योंकि एकदम थक गया था। तो यहाँ आ रहे हो तो ये कपूर ज़रूर लेके आना, मैं कपूर लेके आया हूँ। मतलब कोई भी ट्रैक पे जाओ पहाड़ों पे तो आप कपूर ज़रूर लेके जाओ, उससे क्या होता है आप सांस स्टेबल कर सकते हो अपनी। अभी हमें वहाँ तक जाना है, उसके बाद पता नहीं कितना जाना है। मतलब अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलना है, वो पॉइंट है शायद भैरव बाबा का, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। भैरव बाबा के बाद 1.5 किलोमीटर का सफ़र और बचता है। सो फास्ट सो गुड। वहाँ से पूरा होते हुए मैं आ रहा हूँ, अभी पहाड़ी के क्लिफ है भाई, देख के मज़ा आ गया। ये पूरा रास्ता होते हुए मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो मंदिर में आपका स्वागत है, फिलहाल जय भगवान की। मस्त मैगी खाते हैं फिर चलेंगे। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है, उत्तरा का आखिरी 1 किलोमीटर। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 किलोमीटर बचा है, तो मतलब 1 घंटे से कम ही समय लगेगा। स्टीप क्लाइंबिंग है बट सो फार सो गुड। मैगी खा लिया हूँ और पेट भर गया है, पेट में दर्द होने लगा था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ चाय पी के चला था। तो या हमेशा खाते चले, पेट भरा रहेगा, एनर्जी रहेगी, यू विल कॉन्कर एनी पीक। यात्रा का आखिरी 500 मीटर अभी ऊपर ही जाना है, आखिरी 500 मीटर है, जल्दी से चलते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस 500 मीटर को और मंदिर के पास पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। अच्छा लग रहा है यार, मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं सोचा था नहीं कर पाऊंगा, बट या दर्द हल्का हल्का है अभी, ऐसा नहीं कि दर्द जा चुका है, बढ़िया कर लिया। गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। यमुनोत्री धाम के आस पास पहुँच चुका हूँ, बस थोड़ी दूरी और बची है, यही वो टेंपल है। आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरा 4 धाम कंप्लीट हो गया एट द एज ऑफ 25। मैंने अपने 4 धाम कंप्लीट कर लिए हैं, 25 साल की उम्र में 4 धाम कंप्लीट करना है अपने आप में मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मार्केट शुरू होता है, प्रसाद ले लिया गया है। यहाँ पे होता है कुंड स्नान, एक गर्म कुंड है। अब आए हैं तो नहा के जाएंगे, अंडरगारमेंट्स नहीं लाए हैं बट हाँ कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, चलते हैं। नहाता हूँ पहले, बहुत मन हो रहा भाई, इतना ऊपर आके नहाए ना, ऐसा हो नहीं सकता भाई। फिलहाल मैं तैयार हूँ इस गर्म कुंड में नहाने के लिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधे इस गर्म कुंड के अंदर। बहुत गर्म है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है, अच्छा सा लग रहा है, लेकिन गर्म बहुत है। ज़्यादा गर्म है क्या ये? मुझे क्या लग रहा है ज़्यादा गर्म? भाई बहुत गर्म लग रहा है यार ये। जितना थकान था इस गर्म कुंड में उतरते ही ख़त्म हो गई। गर्म कुंड में नहाने का एक अलग ही मजा। जब स्टार्टिंग में अंदर आया था तो बहुत गर्म लग रहा था, अब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, अब इतना सही लग रहा है। नो आई एम फीलिंग लाइक इट्स बेस्ट पार्ट। करके आया ना सारी थकान दूर सकी है, पूरा गर्म पानी भाई, जितनी बहुत ठंडी है ना उतनी गर्म पानी भाई, उतना ही मज़ेदार, उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून मिल रहा है। आई जस्ट लव दिस। अब नहा लिया गया है गर्म पानी में और उसके बाद
स्नान करने के बाद दर्शन करने का अलग ही मज़ा होता है। मैं इसीलिए नीचे से आगे नहीं आया था, मुझे पता था ऊपर गर्म कुंड है तो ऊपर ना आएंगे। यहाँ से पूरा गर्म पानी का फ्लो निकल रहा है तो ये गर्म पानी गर्म कुंड में जा रहा है पाइप के थ्रू। काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने और मैं टेम्पल के पास आ चुका हूँ। गर्म कुंड का पानी निकल रहा है, आप यहाँ पे चावल वगैरह बना सकते हो, यहाँ पे चावल और आलू उबाले जाते हैं। ये पूरा गर्म कुंड है, काफ़ी अच्छी जगह है यार। ये चावल की पोटली है, इसको मैं उबाल रहा हूँ, ये प्रसाद के तौर पे इसको खाया जाता है। ये ख़राब नहीं होता, आप आराम से घर ले जा सकते हो, ये आपको प्रसाद में ही मिल जाता है साथ में। ये गर्म कुंड है पूरा, ये एक टेम्पल है हनुमान जी का। इस मंदिर की एक कहानी है, यहाँ पे हनुमान जी आए थे, यहाँ पे हनुमान जी जब बूढ़े हो गए थे तो यहाँ पे आए थे। ये ऊपर आप देख रहे हो बंदर पूछ पहाड़ है, ये इसको कहते हैं बंदर पूछ पहाड़। और यहाँ पे जब हनुमान जी बूढ़े हो गए थे, ऐसा मान्यता है कि भीम जी को वहाँ पे बोला गया था कि इस पर्वत पे आएँ और उस बंदर को लेके जाने के लिए कहा गया था। तो जब भीम जी यहाँ पे आए थे तो उसके बाद उनकी पूँछ को उठा नहीं पाए थे, तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हो गए थे। उसके बाद ऐसे कुछ कहानी है, मैं आई एम नॉट श्योर कि आई एम फुल्ली करेक्ट, बट या आई एम ट्राइंग टू बी करेक्ट, ऐसा मुझे साधु जी ने बताया। तो या यही है यहाँ की कहानी। तो फिलहाल दर्शन हो चुका है यमुनोत्री पहुँच के और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। भीड़ बहुत कम है, मतलब इस समय अगर आप आते हो नवंबर के मंथ में, मतलब जो कपाट बंद होने वाला था उसके 3-4 दिन या 5 दिन पहले, आज क्योंकि 8 तारीख और 15 को कपाट बंद हो जाएगा, तो यहाँ आके एक अच्छा सा अनुभव, एक अच्छा सा फील होता है। भीड़ रहती है तो आप दर्शन नहीं कर पाते हो या कुछ भी कर लो, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। और जब खाली होता है दर्शन भी कराओ, फैमिली वालों को वीडियो कॉल भी कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से हो गया। गर्म कुंड में नहाया मैं, मतलब एक अच्छा सा लगा, जो कहते हैं ना एक फील आ जाती है, आप दर्शन करने आ रहे हो, नहाओ आके। मतलब अगर आप यमुनोत्री आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे से नहा के मत चलो, ऊपर आओ, यहाँ पर नहाओ और अपना नहाने वाला सामान लेके आओ, उसके बाद यहाँ पर दर्शन करो और फिर ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा। और मेरे पैर बहुत गल रहे हैं क्योंकि मैं टाइल्स पर खड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा चिल्ड फ्रोज हो रहा है। और यहाँ पे आके गर्म कुंड में आया और यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -2 टेम्परेचर हो रहा, -2 डिग्री, लेकिन गर्म कुंड में जाने के बाद -2 डिग्री का पता ही नहीं चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। लिटरली आई एम जस्ट अमेज्ड टू बी हियर। एक आखिरी चीज़ बची थी जल भरना, अब उसको जल भरते हैं क्योंकि जल भरना भी ज़रूरी है, यमुना जी आया तो साफ साफ जल भर लेते हैं क्योंकि घर वालों की डिमांड है भाई जल का। फिलहाल मैं ट्रैक डाउन कर रहा हूँ और मैं आधे रास्ते से ज़्यादा आ चुका हूँ, बस मुझे आधा घंटा और लगेगा उतरने में। चढ़ने में लगे 3 घंटे, उतरने में लग रहे हैं 1 घंटे, क्वाइट स्ट्रेंज। सो मैं ट्रक करके नीचे आ चुका था और रेस्ट कर रहा था, अभी शाम के बज रहे हैं 5। सो मैं सोच रहा हूँ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि मैं कल यहाँ से निकलूँगा देहरादून के लिए, और देहरादून के बाद कहाँ जाऊँगा आई हैव नो आइडिया। वैसे प्लान है कुछ, मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ, उसके पहले मैं कहाँ जाऊँगा आई डोंट नो। दिवाली वहीं मनानी है केदारनाथ में, तो फिलहाल के लिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये पूरी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। होप फॉर द बेस्ट, आगे और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। और इस ब्लॉग में मैंने जितनी चीज़ें बता सकता था उतनी चीज़ें बताया हूँ कि यहाँ पर कैसे आना है, क्या कॉस्ट है, हर चीज़ होटल के क्या कॉस्ट मिलेंगे। मतलब उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक करो यार, थोड़ा कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।